सामाजिक प्रतिनिधित्व रूप में राजनीतिक प्रकोष्ठ के आए हुए दो गणमान्य विभूतियां, अन्य नागरिक जन, दायित्व बोध के संस्कृति का सबसे पहला सूत्र मैं मानता हूं कि महाकाल की आराधना, और महाकाल की आराधना होती है उसके इस प्रतीक के द्वारा। हर इष्ट का एक चित्र होता है, एक आकृति होती है, और महाकाल की आकृति ये है। इफ यू रियली वॉन्ट टू सी महाकाल गेटिंग मैनिफेस्टेड इन सम फॉर्म, दिस इज द ओनली फॉर्म। इसके माध्यम से महाकाल के दर्शन होते हैं, क्योंकि महाकाल को देखना हो तो ऐसे किसी प्रकार का कोई और आकार इसका हो नहीं सकता। लेकिन हमारी पार्टी पर, हमारी कलाई पर यह महाकाल की आकृति हर पल बंधी होती है। और अगर इस महाकाल की पहला इष्ट ये महाकाल है, अपना हृदय, अपना चेहरा देखने के लिए आईना चाहिए, घड़ी देखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जरा सा एक कोण बनाया और महाकाल के दर्शन हो गए। अगर इस इष्ट का हम अनादर शुरू करते हैं तो किसी भी प्रकार के दायित्व बोध के संस्कृति से हम कभी पूरित नहीं हो सकते। सबसे पहला परम कर्तव्य यह है कि वो समय जिसमें मैं घट रहा हूं, वो समय मैं जिसमें बीत रहा हूं, वो क्षण जो मेरे माध्यम से होता हुआ निकल रहा है, उसका मैं सदुपयोग करूं, उसका मैं आदर करूं, उसकी मैं आराधना करूं, उसकी मैं वंदना करूं। और उसकी वंदना क्या है? उसकी वंदना यह नहीं है कि समय तो 9 बजे का, 9:30 बजे तक पहुंच गए हैं, तो 30 मिनट काहे के लिए, 30 मिनट के नास्तिकता के, 30 मिनट के अनादर के, 30 मिनट के तिरस्कार के। और जो मनुष्य अपने पास बैठे हुए इस प्रत्यक्ष इष्ट का आदर नहीं कर सकता, इसकी उपासना नहीं कर सकता, उस इष्ट से किसी अन्य इष्ट की उपासना की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। जिसने इस दायित्व का निर्वाह नहीं किया, उसने किसी दायित्व का निर्वाह नहीं करना। और इसी का भोग आज पूरा हमारा भारत भोग रहा है। आज हमने इस इष्ट की आराधना से हमने अपने आप को चुकाया है, हम रीते रहे हैं इस इष्ट की आराधना से। इसीलिए हमारे पूरे भारत में एक संस्कृति राज करती है सानों की। इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, द कंक्लूजन इज सानों की, तेनों की, ओनू की। आज जो कुछ भी छूट रहा है हमारे हाथ से, जो कुछ भी दूर प्रतीत हो रहा है, वो इसी से होकर के जाता है कि सानू मेनु तेनु की। क्यों? क्योंकि पहला अनादर हमने महाकाल का यहां से शुरू किया था। अगर मुझे मालूम होता कि मुझ में दायित्व बोध के संस्कृति के बीज प्रसुरित हो चुके हैं और मैं सबसे पहले आदर करूंगा अपने बीतते हुए क्षण का, इफ आई एम सपोज टू बी एट सम पॉइंट एट 9 o'clock, आई मस्ट बी देयर एट 9 o'clock। क्यों नहीं? तो संख्यों के काम है कि 9 बजे तो 9 बजे, घड़ी की सुई की तरह से, तो फिर सनक नहीं तो फिर और क्या। अगर जीवन की आराधना साधना इस सनक से कम में होती है तो उसका साधक हमें नहीं बनना है। सबसे पहले महाकाल की आराधना, यह दायित्व बोध की संस्कृति का पहला सूत्र है। इफ एट ऑल दिस एंटायर कल्चर हैज टू बी ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड कल्चर, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट स्टार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अरे भीतर ये समाहित हो जाना चाहिए, हमारे अंग प्रत्यंग में घुल जाना चाहिए, हमारे डीएनए के अंदर होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। इफ यू हैव नो कंसिडरेशन फॉर टाइम, अगर महाकाल की तुम्हारे पास कोई मूल्य तुम्हारा नहीं है, तो समझ लो कि जीवन में तुम्हारा कोई मूल्य कहीं बनने वाला नहीं है। तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि जिसने महाकाल की आराधना की उसके सामने टारगेट्स भी होंगे, टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति नियोजित भी करेगा और जीवन के हर चरण में समय पर पहुंचने की चेष्टा करेगा। और जिसके जीवन में महाकाल की आराधना नहीं है, वो समय को किसी भी प्रकार के कंपार्टमेंट में बांटेगा नहीं। वो हमेशा कहेगा, उसकी शादी को भी 25 साल हो जाएंगे तो पूछेगा पत्नी से, कितने को साल हो गए ब्याह में? 29। क्यों? ज्यादा लग रहे हैं उसको, 25 नहीं 30 हो गए होंगे। नहीं नहीं, कितने हिसाब लगा लेते हैं, 1970 में भी ना कितने साल हो गए। क्यों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज नॉट हियर। जो लोग आज श्रेष्ठतम स्तरों पर काम कर रहे हैं इन इंडस्ट्री, ये बात सत्य है कि आज अध्यात्म की तुलना में उद्योग जगत में परिष्कार ज्यादा है। अध्यात्म की किसी भी साधना का एक ही मर्म होता है कि जीव के व्यक्तित्व में परिष्कार उत्पन्न कर देना, टू प्रोड्यूस एक्सीलेंस इन टू द वर्किंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के कार्य करने की क्षमता कैसे उत्कृष्ट हो सकती है, यह किसी भी साधना का आधार होता है। इसके अतिरिक्त किसी साधना का कोई लेना देना नहीं।
बाबा जी चमत्कारी होते नहीं चमत्कारी, बाबा जी का समय के साथ कोई महत्व नहीं, तो बाबा जी इज नो गुड फॉर अस। अध्यात्म से ज्यादा उद्योग जगत में परिष्कार हो रहा है, क्योंकि वहां लोग दायित्व बोध की संस्कृति को चूमने का प्रयास कर रहे हैं। दे आर ऑल आउट टू किस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड इंस्टिंक्ट्स। अगर तुम्हें दायित्व है तो तुम्हारा सबसे पहला बोध समय से शुरू होना चाहिए। उसके बाद अगला दायित्व यह है, मुझसे किस बात की आशा की जाती है परमार्थ का भाड़ में। पहले तो स्वार्थ की बात करो, स्वार्थ की बात तो यह कि इफ आई एम स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पोजिशन, अगर मैं यहां खड़ा हूं दरबान बनकर के, खड़ा हूं अकाउंटेंट बनकर के, खड़ा हूं राजनीतिज्ञ बनकर के, तो मुझसे किस बात की आशा की जाती है, और जो मुझसे आशा की जाती है क्या मैं सबसे पहले उनके लिए खड़ा उतरता हूं, नहीं मैं खड़ा नहीं उतरता हूं, तो फिर दायित्व बोध की संस्कृति का कखगर नहीं शुरू हो सकता। पहले बोलना शुरू करो। बच्चा सबसे पहले ध्वनियां निकालता है, ध्वनियां, अक्षर ज्ञान तो बाद में आता है, व्याकरण और आगे की कथा है, ध्वनियां निकालता है। तो ये ध्वनियां हैं दायित्व बोध की संस्कृति की, यहां से शुरू होना। और फिर दूसरा पद कि मुझसे किस बात की आशा की जाती है, जो मुझसे आशा की जाती है क्या मैं उतना खरा उतरता हूं, बाकी तो बात दूर की है। मैं तो अपने घर से अगर बात छोटी सी करूं, अब में से अधिकांश को आदत हो गई थी सोफे पे बैठ करके खाना खाने की, पलंग पर बैठ करके खाना खाने की, विस्तार इस प्रकार से हो गया था कि शरीर अष्टावक्र की तरह से बन जाता था और हम टेलीविजन देखते थे और खाना खाते थे। चुनौती यह दी गई कि दायित्व की अगर संस्कृति शुरू करनी है तो अपने से शुरू करनी होगी। ये बात ठीक है कि 6 महीने लगे परिवर्तन के, लेकिन शुरुआत मुझे अपने से करनी पड़ी। If anything has to change, it must start with me. And right now, उस भवखंड के इस महामंडल में कोई मुहूर्त वो मुहूर्त नहीं हो सकता जो इस पल इस क्षण से शुरू नहीं होता, और जो इस घड़ी इसी पल से शुरू होता है वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। तो मित्रों, अगर आज की इस पर्व को, if you want to put your signature on this event today, अगर अपने हस्ताक्षर करना चाहते हो आज की इस घड़ी को, तो कृपया करके यहां से अगर उठना है तो सृजन सैनिक, सृजन इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सृजन इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सृजन इज अ रिफॉर्मेटरी ऑर्गेनाइजेशन, परिवर्तनकारी संस्था है। वो परिवर्तन जो मुझ में तुम में सब में होना चाहिए। तो यहां से उठते समय एक दायित्व बोध का सूत्र लेकर के हम जाए, वेदों की बात बाद में करेंगे, वो सूत्र है ये, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टार्ट फॉलोइंग दिस। पहला इष्ट ये है, अगर आस्तिकता का परिचय देना है तो पहले इस इष्ट से शुरुआत करनी होगी, बाकी इष्ट बाद में है। हनुमान जी कैन वेट, भोलेनाथ कैन वेट, माता रानी कैन वेट, बट दिस कैन नॉट वेट, दिस कैन नॉट वेट। ये वो बीतता हुआ इष्ट है जिसमें वी प्रिवेल इनटू इट। इस इष्ट की आराधना का सूत्र यहां से जाने से मैं समझता हूं कि होली के उस उत्सव में मैं अपने आप को ओतप्रोत मानूंगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स टू यू ऑल्सो एंड थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।